फवाद साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने इल्ज़ाम आयद किया कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कमरे में बंद किया गया, ये आपको कब पता चला और ये किस बेस पर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं, आज जो है वो रिवील किया है हमें, जो है इमरान खान साहब को जो आज बताया गया उसके मुताबिक। अच्छा, नहीं चीफ सेक्रेटरी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे नोटिफिकेशन जारी करने के लिए? चीफ सेक्रेटरी साहब ने यही बताया। अच्छा अच्छा, ये फरमाएं कि ये आपने अंडरटेकिंग दे दी वज़ीर आला साहब ने कि जनाब हम जब तक अगली समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे, ये वज़ीर आला के जो इख्तियार है उस पर आपने कम्प्रोमाइज़ कर लिया और जो आपका नैरेटिव था कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए उससे भी आप पीछे हट गए, तो इसकी क्या वजह है, क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अदालत ने ये कहा जी कि अगर हम दूसरी पार्टी को नोटिस दिए बगैर ये केस फैसला कर दें, आज सस्पेंड कर दें और आप एक घंटे के बाद जाके बाहर निकल के असेंबली तोड़ देंगे तो ये तो फिर लगेगा कि हम आपके साथ मिले हुए हैं, ठीक है, या कंप्रोमाइज है। सही, तो हमारा कंप्रोमाइज यह है कि अगर आपने दूसरी पार्टी सस्पेंड कराना है नोटिस, अच्छा, तो फिर यह है कि अगली पार्टी को ये हक होना चाहिए कि उन्हें नोटिस मिले और वो आके अपना केस डिफेंड कर, लिहाजा आप अगली हियरिंग तक, हमने कहा जी अगली हियरिंग तक हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तो, इसके साथ ये भी हो गया है जी अगली हेयरिंग से पहले हम जिस वक्त मर्जी चाहें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देके तो हम जो है वो अपना मामला जो है वो आगे कर सकते। अच्छा, तो ये बात फिर कही जा सकती है कि आपके लिए और गवर्नर के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए या हुक्मरान इतिहाद के लिए विन विन सिचुएशन है कि आप असम्बली तहलील नहीं कर सकते और आपने उनका ऑर्डर मुअत्तल करा दिया? जी बिल्कुल, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि आर्टिकल 58 भी बहाल करने की कोशिश नाकाम होगी। अच्छा, रात को जो उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर शबून मारने की कोशिश की वो नाकाम हो गई जी। अब जो मामला है कि ये जो अंडरटेकिंग है ये तो उस वक्त तक है जब तक हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले लेते, अब वो हम चाहे 4 दिनों में ले लें और असेंबली तहलील कर दें, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो जाहिर है कि ये तो गवर्नर का नहीं। आज फवाद साहब भी क्वेश्चन है, 11 जनवरी तक जो समात मुलतवी हुई है उसमें ये शर्त तो नहीं, ये अदालत ने ये तो नहीं कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप उससे पहले ले सकते हैं तो आप ले लें। अच्छा, तो ये 11 से पहले जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम ले लें। अच्छा, यानी ये अदालत ने आपको इख्तियार दिया है या आपकी मर्जी है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले भी ले सकते हैं और फिर ये अंडरटेकिंग खत्म हो जाएगी? जी, फिर ये अंडरटेकिंग खत्म हो जाएगी जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा ये अंडरटेकिंग। लेकिन जो आपका या खान साहब का मंसूबा था कि आप चाहते थे कि मार्च में नई हुकूमत तश्कील पाए रमजान शरीफ से पहले, तो वो तो आप मंसूबा सबोटाज हो गया ना? 90 दिनों तक होता है, ये तो देखते हैं, अभी देश में इलेक्शन कमीशन 75 दिन का आमतौर पे अभी तक स्केड्यूल देते हैं, अगर वो दे दें तो मार्च में भी हो जाए, लेकिन रमजान में भी तो 97 का इलेक्शन आपको याद होगा, रमजान में ही हो। ठीक है, अच्छा 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे आप, ये फैसला हो चुके? हम इंशाल्लाह उससे पहले लेंगे जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आपके बंदे पूरे हैं, क्योंकि जो ओपोजिशन है वो कहती है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो कुछ आगे पीछे हैं। कल पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हुई है तो उसमें हमारे सारे लोग जो हैं वो भी आए और सारे 177 लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे दो। तो बाहर कौन है जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग उम्रे पर गए हुए हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं, वो भी तो कुछ लोग हैं ना, वो उनके हैं मुस्लिम लीग काफ के? नहीं, वो पीटीआई के लोग हैं। अच्छा, एक हमारी जैसे शमसा है, हमारी एमपी है, अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे जो है वो बीमार है, उनका किसो हो रहा है दुबई में। अच्छा, इसी तरीके से दो लोग उम्रे के ऊपर है जी, एक लोग जो है वो उन्होंने कल पार्लिमानी पार्टी में जूम से जो है वो शरीक हुए, ठीक है, और वो सब उन्होंने कहा है कि वो पहुंच जाएंगे। हमारा असल में मकसद यही था जी, और जो मंजूर वटू केस में भी अदालत ने कहा था कि रीजनेबल टाइम तो दें चीफ मिनिस्टर को कि वो अपने बंदे ला सके, ठीक है, सरप्राइज तो ना दें। ये तो ऐसे ही है जैसे अभी सदर रात को कहें कि सुबह 9 बजे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, तो कैसे दें?
सही है। अच्छा ये तो स्कैम करना पड़ा जी फवाद साहब, ये जो डी नोटिफिकेशन हुई उससे एक आइनी या सियासी बहरान ने जन्म लिया, आप समझते हैं अदालत ने जो आपको उबूरी रिलीफ दिया है इसके बाद ये बहरान खत्म हो चुका है और मामला स्मूथ चल रहे हैं? अब पाकिस्तान का बहरान तो बढ़ रहा है। अच्छा, चाहे वो मईशत हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे सियासत, जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाते बहरान तो पड़े जी। और आज भी आपने देखा इस्लामाबाद में जो हुआ, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है इसको बिल्कुल तबाह हो रही है। पाकिस्तान ने स्टेबलाइज करना था अफगानिस्तान को, वो हम नहीं कर, वो तो बिल्कुल ही इनके बस की बात नहीं लग रही, तो वो उसके रिपरकशन पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो TTP का मसला है वो उसकी तरफ किसी ने इजलास ही किया अब तक, ना किसको पता है। तो और वजीर दाखिला तो आपको पता है वो तो असम्बलियां टूटने बनाने में इधर उधर लगे रहते हैं। तो हमारी जो गवर्नेंस है वो तबाह हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, सियासत जो है वो बिल्कुल डाउन जा रही है। जब तक ये ना हो, फवाद साहब आपके मुखालिफीन कहते हैं कि TTP से मुजाकरात करके आपने उनको कुव्वत बख्शी, ताकत बख्शी और अब वो मनमानी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो लोगों को पता ही नहीं है कि मसला क्या है, लोगों को ये भी नहीं पता कि मामला है क्या। 50-55 हजार पाकिस्तानी है जो अफगानिस्तान की साइड पे इंटरनली डिस्प्लेस हुआ जी। अब आपने उनका कोई हल तो निकालना है ना, आप क्या करेंगे उन लोगों को, क्या अफगानिस्तान में छोड़ दें? वो कहते हैं ये पाकिस्तानी, आप इन्हें वापस देखने जाएं। एक सेटलमेंट चाहिए, इस तरह से नहीं हो सकता। ये जो लड़ाई हो रही है ये बिल्कुल एक मजहबी लड़ाई नहीं है, ये सोशल एक लड़ाई है, इसमें बड़ी एक और कॉम्प्लेक्स इशू है, आसान इशू नहीं है, बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये तो लोग हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, सिर्फ हर वक्त जो है वो सिर्फ लोगों को मारने में ये समझते हैं कि कामयाबी है, हालांकि लोगों के साथ बातचीत। तो फवाद साहब, इन हालात में, इन हालात में आपकी जमात का क्या किरदार है? आप भी तो अपनी एक बात पे अड़े हुए, जल्द इलेक्शन करवा दें आप, अगर आप पार्लियामेंट में होते तो आप नहीं समझते आपको कोई कंस्ट्रक्टिव रोल होता इसमें? पार्लियामेंट में होने से तो रोल नहीं होता ना, हम तो नैब अमेंडमेंट सेनेट में हमने रुकवा ली है। ये इस तरह नहीं होता जब तक आप गवर्नमेंट में ना हो, जब तक लोगों की सपोर्ट से गवर्नमेंट में ना हो। नहीं, गवर्नमेंट के बगैर पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है, ओपोजिशन कुछ भी नहीं है, ये तो इंतजामी रोल है ना, इसका कोई रोल नहीं है। इस पार्लियामेंट में तो इस वक्त सारे हॉस्टेज हुआ है, लोग तो इस पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प समझते हैं, लोगों का एतमाद ही नहीं है इस पार्लियामेंट। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, लास्ट जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ, क्या कहेंगे इस पर? ये इंतज़ामी नाकामी फ़िलहाल तो मैं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से ये सर उठा रहे हैं दहशतगर्द, इस पर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और उसके जो मुतलका इदारे हैं उनको सबसे ज़्यादा सीरियस उस पर इकदाम करने चाहिए, सिर्फ बातें करने से मामला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सूबाई हुकूमत का भी रोल है लेकिन मरकजी रोल जो है वो विफाकी हुकूमत का है। ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।